हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.1। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सो टुडे विल डू चैप्टर 5, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई हैव डन, क्वेश्चन 4 इज गिवन इन दिस फॉर्म। ओके, सो आई हैव रिटन विच फॉर्म इज दिस। दिस इज सेट बिल्डर नोटेशन। व्हाट इज दिस? सेट बिल्डर नोटेशन। All these are written in set builder notation. And what I have done, I have written them in tabular form. What I have done, I have written in tabular form. Set builder में दिया हुआ है, मैंने उसको सारों को tabular में लिख दिया, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर questions कुछ दिए हैं बुक में, इस question 4 के कुछ parts हैं, लेकिन सारे ही parts इस question में part 1, part 2, part 3, 4, 5, 6, 7, 8 में लिखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन का एक कंपोजिट क्वेश्चन बना दिया। आई हैव मेड वन कंपोजिट क्वेश्चन आउट ऑफ दोज क्वेश्चन विच आर गिवन इन द बुक, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन वन गो, ठीक है, एक ही सवाल के साथ ये सारा आइडिया। वट एवर द आइडिया इज अबाउट डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट और डैश। लुक, आई हैव रिटन एक्स डैश विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट, सी डैश, एक्स सी कॉम्प्लीमेंट, ओके, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट, सो वाई डैश इज इक्वल टू सी डैश। इट मीन आइदर यू कैन राइट डैश ऑन इट और यू कैन राइट सी। सी स्टैंड फॉर, लुक, डैश कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी और सी कैन बी रिप्लेस्ड बाय डैश एंड इट मीन्स वॉट, कॉम्प्लीमेंट। ओके, कॉम्प्लीमेंट मीन्स वॉट, यूनिवर्सल माइनस दैट वट एवर इज अंडर द कॉम्प्लीमेंट। वॉट इज कॉम्प्लीमेंट मीन्स, यूनिवर्सल माइनस दैट वट एवर इज रिटन इन अंडर द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जो भी डैश के अंदर है, जिस तरह करो कि इधर क्या है डैश के अंदर, एक्स, इधर क्या है एक्स, इधर क्या है वाई, तो वो आप यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे। इसी तरह इधर आओगे तो इधर क्या है, डैश के नीचे एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो पहले क्या फाइंड करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर उसका डैश लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। मैंने इक्वल्स टू भी लिख दिया ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, सी में लिखे चाहे डैश में लिखे, तो आपने इसको करना है, डरना नहीं है। ओके, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। आई मेड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, कंपोजिट क्वेश्चन वन, कंपोजिट क्वेश्चन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे को इकट्ठा करके लिख दिया। ओके, सो सेम वे, तो फर्स्ट वन इज ओके, फर्स्ट सेट बिल्डर नोटेशन, दिस इज द रियल क्वेश्चन विच इज रिटन इन यू बुक। ये वो सवाल है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है क्या, यूनिवर्सल सेट। याद रखो यूनियन में और यूनिवर्सल में क्या फर्क है, ये देखो ये यूनियन है, ये क्या है यूनियन, इसके ऊपर दो बार्स नहीं है, इधर दो बार्स नहीं है, ये यूनियन है, और ये क्या है यूनिवर्सल है, तो इसके ऊपर दो बार्स बड़ी वाजे नजर आ रही, ये लाजमी, बस आपने जब यूनिवर्सल लिखना है तो उसके ऊपर दो बार्स लगानी है, जब यूनियन लिख रहे हैं तो कोई बार नहीं लगानी, ठीक है, क्लियर बात। अब ये दिया हुआ था, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, व्हेन वी राइट अ सेट इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड नोटेशंस, ठीक है, जब भी हम किसी भी सेट को सिंबल्स की फॉर्म में या नोटेशंस की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम सेट बिल्डर कहते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ एक्स, क्या लिखा हुआ एक्स, मेरे साथ साथ पढ़ो, एक्स सच दैट एक्स, ये क्या वर्ड होता है सच दैट, ये कहते हैं सच दैट। अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में जाओगे उधर भी मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या चीज है एक्स सच दैट एक्स, ये क्या आता है बिलोंग्स टू, ये क्या है बिलोंग्स टू, ये सिंबल्स है, ये क्या है सच दैट, इसका मतलब उर्दू में क्या है जबकि, इसका मतलब क्या है ताल्लुक रखता है, बिलोंग्स टू एन, एन कैपिटल है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपको पता है जो आम काउंटिंग होती है वही होती है, ठीक है। आगे ये क्या सिंबल है, ये एंड, ये क्या है एंड, ये क्या है एंड, ये क्या है एंड, ये क्या है बिलोंग्स टू, ये क्या है बिलोंग्स टू, ये क्या है बिलोंग्स टू, ठीक है, ये क्या है सच दैट, सच दैट, सच दैट, सीधी लाइन होती है, समझ लेंगे बात की। तो क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, पी मीन्स प्राइम नंबर। ओके, अब आगे चलते हैं, इधर लिखा है एक्स ग्रेटर देन थ्री, एंड 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 लिखा हुआ था, एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, तीन से बड़े, वो नेचुरल नंबर जो तीन से बड़े हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, चार से, तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख दिया, चार पाँच छः सात आठ, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, टिल वॉट, बिकॉज ऑफ दिस लाइन वी हैव टू रीच टू 25, रीच 25, आसान हो गया, ठीक है, बस ये लिख लेना, बड़ा आसान हो जाता है।
तो ये लिखा था x such that x belongs to natural and x is greater than 3, तीन से बड़े, नेचुरल नंबर तीन से बड़े, कुदरती जो गिनती आम जो गिनती है वो कहाँ से शुरू होती है, वन से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चार पाँच छः सात से लेके 25 तक, इस लाइन की वजह से 25 आया और इस लाइन ना होने की वजह से 3 नहीं आया, डन। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी, पी मतलब प्राइम। मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह फर्ज करो वन है, तो वन के कितने फैक्टर हैं, वन को क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ वन ही कर सकते हैं। जबकि टू ले लो तो टू को वन भी डिवाइड करता है और टू भी डिवाइड करता है, इसलिए प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, टू से, याद रखो, ठीक है। वन नहीं आता, टू आता है। वन क्यों नहीं आता, क्योंकि उसका फैक्टर कितना आता है, सिर्फ एक, सिर्फ एक ही नंबर वन है उसको डिवाइड कर सकता है और कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। जबकि टू लिखते हो तो टू को डिवाइड किया जा सकता है वन से भी और टू से भी, टू कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड टू ऑल्सो, दैट इज वाई इट इज प्राइम, ठीक है, इवन भी है वो। उसके बाद क्या आगे, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू पी प्राइम एंड एक्स इज ग्रेटर देन एट, एट से बड़े वाले प्राइम, तो नाइन आए प्राइम, नाइन के तो फैक्टर्स हैं, क्या क्या डिवाइड कर सकते हैं नाइन को, वन कर सकते हैं, थ्री कर सकते हैं, नाइन कर सकते हैं, वो प्राइम नहीं है। टेन ले लो, टेन को क्या क्या डिवाइड कर सकता है, वन कर सकता है, टू कर सकता है, फाइव कर सकता है, टेन कर सकता है, वो भी प्राइम नहीं है। इलेवन, क्या इलेवन डिवाइड होता है, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर से डिवाइड होता है, एक वन से और एक इलेवन से, इससे से क्या आएगा, इलेवन आएगा, डन, कोई मुश्किल नहीं। तो हमने वो नंबर लेने हैं जो किसी और से डिवाइड नहीं होते, इसके अलावा उनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, क्या आएगा, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी थ्री, ठीक है। हमने आठ से बड़े और पच्चीस से छोटे, 11 के बाद 13 देख लो, सिर्फ दो फैक्टर्स है, 1 और 13, 17 ले लो, 19 ले लो, 23, ये सिर्फ और सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, एक 23 से और एक 1 से, इनमें से कोई भी ले लो, ठीक है। तो ये बेहतर डेफिनेशन है कि जिसके दो फैक्टर्स हो, बजाय वो पुरानी डेफिनेशन करने के वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, इस तरह तो 1 भी अपने आप से डिविजिबल है, वो नहीं आता, ठीक है, ये बात। लेकिन कोशिश करो कि आप थोड़ा सा बेहतर सीखो। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज द टेक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था, होल नंबर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, सो जीरो से लेके ऑनवर्ड्स चलते रहते अनलिमिटेड होते हैं, ये भी इन्फिनिट अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको डॉट डॉट डाल के 25 तक ब्लॉक किया उसने, हमें इधर क्या किया, उसने स्टार्ट किया है फोर से बड़े और फोर भी शामिल है इस लाइन की वजह से, तो फोर आ गया, फिर फाइव सिक्स सेवन एट टिल व्हाट 17, तो मैंने 17 लिखा ही नहीं, इधर लिख लेते हैं, ओके 17 पे बंद हो गया, ठीक है। ओके अब करना क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये जो सारे इकट्ठी कंपोजिट बना दिए मैंने, एक के साथ बना दिए ताकि इसको सॉल्व करें, एक्स डैश या एक्स सी, तो मैंने लिखा फाइंड एक्स डैश एक्स सी, पहले इसलिए लिख लिया ताकि जगह मेंटेन हो जाए, मैनेज हो जाए, वरना जगह मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता बोर्ड में। ओके तो हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स डैश और एक्स सी फाइंड करेंगे, आइंदा मैं दोनों नहीं लिखूंगा, एक ही लिखूंगा, तो आपको समझ जाना कि इसका मतलब यही है, ठीक है, चाहे इस फॉर्म में लिख दे वो, चाहे इसमें लिख दे। और सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके अब हमने करना है कि एक्स डैश फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला था कि जो भी डैश होता है वो होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के ऊपर ये दो डंडियां लाजमी है, दीज टू बार्स आर कंपल्सरी फॉर द यूनिवर्सल। माइनस एक्स वट एवर इज रिटन अंडर सी, वट एवर इज रिटन अंडर डैश, डैश के नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स, इस डैश के नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सी, तो हमने यू माइनस सी कर दिया। अब यू को देखो आप, यू किधर है, ये यू, ये माइनस हमने कर देना इसमें से एक्स, एक्स ये है, क्लियर बात। तो आप उधर से देख के इसमें लिखना शुरू कर दो वैल्यूज, ठीक है जी। यू में हमारे पास फोर है, जो इसमें है क्या आएगा, जो इसमें है और इसमें नहीं है वो वाले एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो इस सेट यूनिवर्सल में है और इसमें नहीं है, याद रखो यूनिवर्सल में सारे के सारे ये मौजूद होंगे, यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन है वो यही है कि उसके अंदर बाकी सारे सेट्स आने चाहिए, यानी कि बाकी सारे सेट्स यूनिवर्सल के सबसेट होने चाहिए, अगर नहीं तो फिर गलत लिखा आपने, ठीक है। तो देखो हमारा जो कोई भी फोर से पहले वाला नंबर ना इसमें है ना इसमें है, कोई भी 25 से बड़ा नंबर ना इसमें है ना इसमें है, ठीक है। तो यूनिवर्सल असल में एक सुपरसेट होता है
और जो दूसरे दो हैं वो सबसेट्स होते हैं, ठीक है। क्लियर बात, तो एक्स और वाई सबसेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ओके, सारे के सारे इसमें मौजूद होंगे। ओके नेक्स्ट, अब यू माइनस एक्स कर रहा है जो यूनिवर्सल में है, व्हाट आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल बट नॉट इन एक्स, सो राइट डाउन दोस, फोर प्रेजेंट हेयर, इज फोर प्रेजेंट हेयर, नो, चार इसमें है क्या, इसमें है नहीं, आएगा विल इट कम, यस, क्योंकि उसमें है जो यूनिवर्सल में है, चार आ गया, डन। पांच इसमें है, इसमें है नहीं, वो भी आएगा, सिक्स इसमें है, इसमें है नहीं, वो भी आएगा, सेवन इसमें है, इसमें है नहीं, वो भी आएगा, एट इसमें है, इसमें है नहीं, वो भी आएगा, नाइन इसमें है, इसमें है वो भी आएगा, उसके बाद क्या डी, टेन, इलेवन, थोड़ा सा दूसरी तरफ लिख देते, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एग्री कर लेते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो मैं इसको इधर कर देता हूँ नीचे, ठीक है, ओके इधर कर लेते हैं, यूनिवर्सल माइनस एक्स, तो क्या आएगा इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है जी, सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इलेवन नहीं आएगा क्योंकि इलेवन इसमें, इलेवन नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ट्वेल्व, थर्टीन इसमें है, उसमें है थर्टीन, इसमें है वो नहीं आएगा, फोर्टीन आएगा, फिफ्टीन आएगा, उसके बाद क्या आएगा जी, सिक्सटीन, सेवनटीन नहीं आएगा, एटीन आएगा, फिर नाइनटीन आएगा, फिर नाइनटीन के बाद क्या आएगा, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, अब ट्वेंटी थ्री इसमें है, इसमें है वो नहीं आएगा, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फाइव आएगा, आएगा, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, व्हाट आर द एलिमेंट्स वी हैव सिलेक्टेड, द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सेट यूनिवर्सल बट नॉट इन दिस वी हैव रिटन इन दिस एक्स डैश, फिर देख लेते हैं, चार इसमें है, इसमें है नहीं, वो आएगा, चार पाँच छः सात आठ नौ दस तक इसमें नहीं है तो वो आएंगे, ठीक है, कहाँ शुरू होएंगे ये, और सॉरी वन तो नहीं शुरू होने, ये तो हमने शुरू ही चार से करना है, तो मैंने तो वन टू भी लिख दिया, ये नहीं आएगा, सॉरी, ओके, तो कहाँ से आएंगे, फोर से, और मैंने सोचा ही नहीं इसको, ओके, अब क्या आएगा, फोर से ऑनवर्ड्स, फोर इसमें है, इसमें है नहीं, वो आएगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक इधर आएंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, डन। उसके बाद क्या है हमें, इलेवन इसमें है तो वो नहीं आएगा, ट्वेल्व है इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये तो अभी कंटिन्यूसली चल रहे हैं ना, ठीक है, तो इसलिए ट्वेल्व आएगा, उसके बाद थर्टीन इसमें आएगा, इसमें नहीं, इसमें है वो नहीं आएगा, थर्टीन नहीं लिखा हमने, ठीक है, फोर्टीन इसमें है, इसमें नहीं है वो आएगा, फिफ्टीन इसमें है, इसमें नहीं है वो आएगा, ठीक है, सिक्सटीन इसमें है, इसमें नहीं है वो आएगा, सेवनटीन इसमें है, उसमें भी है वो नहीं आएगा, तो जो कॉमन है वो नहीं लिखने, डन, ओके, सो वी हैव रिटन टिल व्हाट, आफ्टर 18, 19 इज प्रेजेंट इन बोथ, सो वी विल नॉट राइट 19, नहीं लिखेंगे भी, मैंने तो 19 भी लिख दिया, ओके, 19 नहीं लिखेंगे क्योंकि 19 इसमें मौजूद है, ओके, उसके बाद क्या है, 20, 21, 22, 23 इसमें है वो नहीं लिखेंगे, 24, 25 डन, ओके, फिर देखते हैं कि हमने क्या किया इसमें, 18 के बाद, 18 के बाद हमने 19 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, बाय चांस मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है, इसलिए लिखा क्योंकि इसमें मौजूद है, उसके बाद 21 भी नहीं मौजूद, 22 भी नहीं मौजूद, 23 मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 24, 25, सो वट एवर आर प्रेजेंट इन हेयर नॉट हेयर वी विल राइट, सो के सो ऑल दीज मेंबर्स वट एवर आई हैव रिटन आर नॉट प्रेजेंट इन एक्स सेट, सो दिस इज कॉल्ड एक्स डैश और एक्स कॉम्प्लीमेंट, वट इज दिस कॉल्ड, एक्स कॉम्प्लीमेंट कह लो, एक्स डैश कह लो, एक्स सी कह लो, यूनिवर्सल माइनस एक्स, डन, ओके, ये हो गया पहला उसका, इसको कर देते बंद, ओके, अब दूसरा, दूसरा क्या है, सेकेंड पार्ट क्या है, वाई डैश, सेकेंड पार्ट वाई डैश क्या लिख सकते हो, उसको वाई सी भी लिख सकते हो, बेसिकली होता क्या है, यूनिवर्सल में ये बार्स लगानी लाजमी है, वेरी कंपल्सरी टू पुट दीज बार्स ऑन द यूनिवर्सल सेट, अदरवाइज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड यूनियन सेट, यूनियन में नहीं लगाते बार्स, यूनियन सिंपल लिखते हैं, ओके, ना भाई, अब u माइनस वाई करना है, जो u में है और y में नहीं है, वट एवर आर प्रेजेंट इन u,
but not in y. Okay, so 4 is present here, 4 is also present here, so will not come. Okay, 5, 6, 7, ये 17 तक तो ऐसे ही चलेंगे, क्या ख्याल है? देखो 4 से लेके 17 तक इसमें आएंगे, आएंगे ना, एग्रीड, जो इसमें है और इसमें नहीं है वो लिखने हैं, तो 4 से लेके 17 इसमें भी है और इसमें भी है, तो वो खत्म हो गया काम। अब हम 18 से शुरू करते हैं, इसमें 18 आएगा, इसमें 18 नहीं आएगा, हमने क्या लिख दिया, 18, डन। उसके बाद इसमें 19 आएगा, इसमें 19 नहीं आएगा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ओहो, डन जी, ओके। हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम करे, माइट बी देर इज अ चांस दैट माय हैंडराइटिंग इज नॉट अंडरस्टैंडेबल टू यू, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल बिकम यूज्ड ऑफ इट। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट, यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स। ओके, नाउ वी, सो वी हैव फाउंड व्हाट, वी हैव फाउंड वाई डैश, सेकेंड पार्ट इज डन। नाउ वी थर्ड पार्ट, ओके, सो आई एम पुटिंग देम इन ब्लॉक्स सो दैट आई कैन यूज मेक यूज ऑफ स्पेस, बिकॉज आई नीड लॉट्स ऑफ स्पेस हियर। ओके, नाउ वी, सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज एक्स यूनियन वाई, थर्ड पार्ट, एक्स यूनियन वाई एंड ऑन इट दे शुड बी डैश, आई हैव नोटेड, ओके, डैश, इट ऑल्सो मीन्स व्हाट, एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, इट कुड बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो, एनी वेज इट कैन बी रिटन लाइक दिस और दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू लाइक दिस, और इधर और कर लो, और ओके, तो आसान हो जाएगा। ओके, नाउ सो वी विल फाइंड व्हाट, एक्स यूनियन वाई डैश, एक्स यूनियन वाई, फर्स्ट वी विल सॉल्व ब्रैकेट वन, फर्स्ट वी विल सॉल्व व्हाट, ब्रैकेट वन, व्हाट इज दैट, एक्स यूनियन वाई, सो एक्स यूनियन वाई मींस यू हैव टू कंबाइन एक्स एंड वाई, एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई को कंबाइन करना है, जनरलॉजी कंबाइन करते हैं, कंबाइन का मतलब दोनों को लिख रहे हैं, कोई भी सेट का एलिमेंट जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना, तो क्या शुरू करते हैं, फोर से, चलो लिखना शुरू करो, पहला क्या आएगा जी, ये इस तरह होनी चाहिए, याद रखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देखो इसमें ये 4 से लेकर 17 तक सीधे सीधे आने, कंबाइन कर रहे हैं तो 11 आएगा, ठीक है, तो 17 तक तो चलेंगे क्योंकि यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक तो आएंगे, क्या 18 आएगा, 18 ना इसमें है ना इसमें है, इस 18 प्रेजेंट इन दिस, नो, इज 18 प्रेजेंट इन दिस, नो, सो दैट विल नॉट कम, ओके, देन 19 इज प्रेजेंट हियर, नॉट हियर बट विल कम बिकॉज वी आर टेकिंग यूनियन नॉट इंटरसेक्शन, सो 19 विल कम, देन आफ्टर 19 20 विल कम, नो, नाइदर प्रेजेंट हियर नॉट हियर, नाइदर मौजूद है नाइदर, 21, 22, 23, ठीक है, सिर्फ 23 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट विल रीच टू 23, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। हमने क्या किया, एक्स यूनियन वाई किया, पहले क्या किया, एक्स यूनियन वाई, अब इसी को हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और इसका करेंगे एक्स यूनियन वाई का डैश या कॉम्प्लीमेंट, क्या फाइंड कर देंगे, एक्स यूनियन वाई का डैश या कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एक्स है ना उसमें से हमने, ओहो सॉरी यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल है ना उसमें से डैश के नीचे वाला माइनस करना है, तो यूनिवर्सल लिखा हमने ऐसे करके, माइनस कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर ये जो सी के नीचे, सी के नीचे क्या है, एक्स यूनियन वाई, ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय द कॉम्प्लीमेंट, इट मींस द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल बट नॉट इन दिस, नॉट इन दिस, ठीक है, यूनिवर्सल पे जाओ, क्या लिखा हुआ है, 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स टिल 25, क्या लिखा हुआ है, 4 से लेकर 25 तक फुल टाइम नेचुरल नंबर्स है, अब ये वाले नंबर को छोड़ के ले लो, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक तो इसमें आ जाएंगे, 17 तक आ रहे हैं ना, तो विल नॉट टेक, ओके, वेट, ये बीच में हॉस्ट्री टॉकर्स आ जाते हैं, सो दे स्टार्ट मेकिंग देयर नॉइज, ओके, इग्नोर इट प्लीज, ओके, नाउ नेक्स्ट, सो व्हाट वी विल डू, वी विल
नॉर राइट आफ्टर 17, तो 17 तक तो इसमें मौजूद है, ठीक है। 17 के बाद इसमें 18 आएगा, इसमें आएगा 18 नहीं, तो वो आएगा 18, ठीक है। 18 के बाद क्या आएगा इसमें, 19, 19 इसमें भी है वो नहीं आएगा। 20 इसमें आएगा, इसमें आएगा नहीं आया, वो लिख लेते हैं। 21 इसमें आएगा, इसमें आएगा इस वाले में नहीं, वो लिख लिया। 22 इसमें आएगा ऊपर वाले में यूनिवर्सल में, इसमें आएगा नहीं, वो भी लिख दिया। आगे 23 इसमें आएगा, लेकिन इसमें भी आएगा तो वो नहीं लिखे, जो कॉमन है वो नहीं लिखने, ठीक है। उसके बाद 24 इसमें आएगा ऊपर वाले में, और 25 भी आएगा। नॉज देखो जी, क्या किया हमने, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, दीज ऑल वर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बिकॉज ऑफ दिस, गॉट इट, बट नॉट प्रेजेंट इन दिस, वट एवर इज अंडर सी। सी के अंडर क्या है, एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई को माइनस करना है, तो इसका मतलब है हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखे जो इसमें मौजूद है और इसमें नहीं है। देखो 4 से लेके 17 तक तो सीधे ही आ रहे हैं, तो 4 से 17 तक हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद हम सीधा गए इधर 18 पे, इधर 18 मौजूद नहीं है तो वो लिख देंगे, वट एवर इज प्रेजेंट है, जो इधर मौजूद है और इधर नहीं है वो लिखना है, ठीक है। अब 18 लिखा, फिर 19 इसमें है, इसमें भी आ जी, वो नहीं लिखेंगे। फिर 20 इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिखेंगे। फिर 21, 22, 23, 1, 2 इसमें है ऊपर वाले में, इसमें नहीं है तो वो लिखेंगे 21, 22, 20, 21, 22 लिखा। 23 इसमें भी है और इसमें भी वो नहीं लिखेंगे। फिर 24, 25 लिखेंगे। डन, आई होप दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 4, इसको ब्लॉक में रख देते हैं ताकि आपको जब आप करोगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो वहाँ से बैठ के अकेले फिर बड़ा करके देख लिया करो जूम करके। ओके ना, फोर्थ पार्ट, व्हाट इज फोर्थ पार्ट, इट इज रिटन, फोर्थ पार्ट में एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश क्या लिखा हुआ है। एक्स अगर मैं इधर आपको ये वाला कर दूं पहले, ये वाला, तो क्या ख्याल है, इधर सेवंथ पार्ट है, सेवंथ पार्ट कर दूं आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेवंथ पार्ट पहले कर दूं तो आसान नहीं हो जाएगा, क्लियर, फर्ज करो। अगर मैं सेवंथ पार्ट कर दूं ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं जैसे आप कहते हो, सेवंथ पार्ट कर लेते जी पहले, उससे ये क्या कि एक जैसे ना इकट्ठे हो जाएंगे। चलो इसके साथ सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट में है क्या, देखो जरा, एक्स यूनियन वाई होल डैश, तो हमने एक्स यूनियन वाई होल डैश फाइंड कर लिया हुआ है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, क्या थी इसकी, लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो कर ली है, एक्स यूनियन वाई का होल डैश होल कॉम्प्लीमेंट कर लिया हुआ, ठीक है, एक्स यूनियन वाई होना चाहिए। इधर मैंने कौन सा, अच्छा वो एट पार्ट है, ठीक है, डन डन। अब मैंने एक ही दफा सी डैश यूज किया, सी यूज किया नहीं। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, वी आर डूइंग दिस वन सेवंथ पार्ट, ताकि आसानी से इधर से कैरी करके हम आगे चले जाते, क्योंकि देखो ना हमने उसका एक पार्ट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एक्स यूनियन वाई होल डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड, डन, ठीक है। ऑल्सो मैं इधर ऑल्सो भी लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पार्ट 7। अब आपको समझ लेगी मैंने क्या किया, ये जो चीज है ये लेफ्ट हैंड साइड है किसकी, पार्ट 7 की भी, डन, ओके। नाउ हम क्या करते हैं, पार्ट 7 को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 7 में है क्या राइट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो डन होगी ना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पार्ट 7 है क्या, एक्स यूनियन वाई डैश इज इक्वल टू एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश, ऐसे है कि नहीं है, ऐसे है ना, ये देखो, ठीक है, एक्स यूनियन वाई डैश लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज डन अबव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डन अबव। ये मैंने एरो बना दी, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड,
अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे डी, ठीक है, राइट हैंड साइड में करेंगे एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। अब x डैश वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी हमने किए, ये देखो इधर x डैश किया हमने, ये देखो x डैश, ये सारा x डैश है, ठीक है, ये क्या सारा x डैश, उसको मैं थोड़ा सा x डैश भी लिख देता हूँ साथ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। चलो इसको x डैश भी लिख लेते हैं साथ, तो ये क्या है x डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस x, ठीक है जी, फिर बात इसको मैंने वाई डैश लिख दिया। ओके भाई चलो अब एक्स डैश की वैल्यू बताओ, जैसे क्या है ये सारी एक्स डैश की वैल्यूज है, ये सारी क्या है एक्स डैश की वैल्यूज है, वो क्या आता है जो यूनिवर्सल में थे और एक्स में नहीं थे वो सारे इधर आ गए, डन। साथ में वाई डैश भी किया, ये देखो वाई डैश किया ना, ठीक है, तो एक्स डैश एंड वाई डैश आर ऑलरेडी डन, इधर मैं लिख देता हूँ एक्स डैश एंड वाई डैश आर ऑलरेडी डन, ठीक है, इन पार्ट वन एंड टू, क्लियर जी। ये देखो एक्स डैश वाई डैश किया हुआ तो वो लिख दिया, अब मैं सीधे उसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, इधर डायरेक्ट क्या लिख दूंगा आंसर, तो क्या आंसर आएगा एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश का आंसर क्या आएगा, अब एक्स डैश और वाई डैश का आंसर ये है, हमने उसमें से कॉमन लेना है, क्या करना है कॉमन, तो क्या कॉमन है चेक करते हैं, इसमें फोर है इसमें नहीं, वो नहीं आएगा, 18 के बाद सारी कॉमन चीजें आएंगी, तो 4 से लेकर 16 तक कुछ भी इसमें नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन मीन्स प्रेजेंट इन बोथ, तो 4 से लेकर 16 तक इसमें ना प्रेजेंट है ना उसमें, विल टेक फ्रॉम 18 इज प्रेजेंट इन बोथ, तो विल इंक्लूड 18, आ गया 18, उसके बाद देन विल गो टू 19, ठीक है, इसमें है नहीं ना, इसमें इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो वो नहीं आएगा, 20 है जी दोनों में, 20 लिख दिया, ठीक है, उसके बाद देखो 21 दोनों में है 21 भी लिख दो, 22 दोनों में है 22 भी है, ठीक है जी, 23 दोनों में है 23 नहीं है, उसके बाद 24 दोनों में है और 25 भी दोनों में है, तो ये देख लो इससे और इससे आपको क्या लगता है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ठीक है लेफ्ट हैंड साइड लग रही और ये राइट हैंड साइड है, तो फ्रॉम हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, आप बेशक इसका नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो कोई भी, ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, हो गया। अच्छा मैं कोशिश करूंगा ये वाला जो है ना इसको मैं पूरा अलग से ही कर दूं, इसका जो एक तो मैंने इकट्ठा कर दिया ना, जो नेक्स्ट वाला ना डिमॉर्गन्स लॉ का उसको मैं अलग से कर दूँ, ठीक है, ये बात। अब ये देखो अब हमने कौन सा कर लिया, फर्स्ट पार्ट एक्स डैश भी फाइंड कर लिया, वाई डैश भी फाइंड कर लिया, एक्स यूनियन वाई हुआ होल डैश भी फाइंड कर लिया, एक्स यूनियन वाई का होल डैश डन, ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ होती है। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई का डैश वो हमने अभी करना है वो कर लेंगे, ठीक है, उसी से लेके हम लोग जो ये क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई, फिर एक्स डैश वाई डैश ये अलग अलग है, ये हमने यूनियन वाला तो कर लिया, अलग अलग वाला यूनियन वाला मैंने लिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है एक्स डैश, ये देखो एक्स डैश, ठीक है, एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है, और उनकी मैंने क्या लिया इंटरसेक्शन, तो एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश मैंने कर दिया, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ गए जो जो हो गए, ठीक है, उनको आप देख लो। अब हम करते हैं एक ही कंपोजिट करके ताकि आपको डिमॉर्गन लॉ का पता चले, डिमॉर्गन लॉ का एक पार्ट में इधर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी लगे, ठीक है, ये हो गया। अब जी डिमॉर्गन लॉ, इसका हम पार्ट करेंगे जो नहीं किया हुआ वो डैश वाला जी, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला यूनियन वाला तो हमने कर दिया ना,
इंटरसेक्शन वाला नहीं किया, डिमोगल लॉ का इंटरसेक्शन वाला कहाँ लिखा मैंने, ये वाला, ये पार्ट एट, पार्ट नंबर एट, ठीक है, वो अब हम करने लगे नीचे इस जगह ठीक। क्या है जी, ये लिखा हुआ है एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह मैं ये करूँगा ना, इसी तरह आप अलग से खुद से अपनी कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना सेवन्थ की, ठीक है। जिस तरह ये एट्थ करूँगा ना, उसी तरह आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, डन। अच्छा जी, अब हमारे पास है क्या, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इसकी, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल डैश, सी लिख लो, डैश लिखने की बात है, क्या है एक्स इंटरसेक्शन वाई, पहले हमने क्या करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो फर्स्ट विल सॉल्व एक्स इंटरसेक्शन वाई, अब एक्स था क्या, ये वाला था ये एक्स, ठीक है, अब वाई क्या था, ये वाला, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या लेना कॉमन, तो इसमें 11 से लेके 23 तक है, 11, 13, 17, 19, 23, और इसमें 4 से लेके 17 तक है, इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि 4 से लेके 17 तक कंटिन्यूसली है, इसलिए 11 इसमें आ जाएगा, ठीक है, और 13 भी आ जाएगा, ठीक है, और 17 भी आ जाएगा, ये तीनों इसमें आएंगे, तो हमने कॉमन लिखने, तो हमने क्या लिखे थी कॉमन, जो दोनों में प्रेजेंट है, 11 प्रेजेंट होगा दोनों में, 13 प्रेजेंट होगा और 17, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं तो इसलिए 19 और 23 इसमें नहीं आएंगे, तो वो नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड का एक पार्ट किया, अब लेफ्ट हैंड साइड का दूसरा पार्ट करते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या चीज़ होती थी, ये तो यूनिवर्सल में से माइनस करना होता है जो ब्रैकेट के नीचे, ठीक है जी। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या था, एक्स इंटरसेक्शन वाई डैश इज इक्वल टू, अब यूनिवर्सल सेट पे जाओ जी, ये यूनिवर्सल सेट और ये इसका डैश, इसमें जो कुछ है इसके अलावा सब कुछ इधर आएगा, डन। तो लिख देते हैं जी हम, इसका मतलब है 4 से लेके 10 तक तो इसमें मौजूद है सीधे सीधे, और इसमें नहीं है तो आएंगे, तो हम लिख देते हैं जी 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद क्या आएगा जी 10, उसके बाद देखो 11 इसमें भी मौजूद है, उसमें वो नहीं आएंगे, उसके बाद क्या मौजूद है 12 इसमें है, उसमें है, इसमें नहीं है, वो आएगा 12, फिर क्या आएगा जी 13 उसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा, 14 उसमें, इसमें नहीं है, वो आ जाएगा, उसके बाद 15 देखो उसमें है, इसमें नहीं है, 16 देखो, 17 दोनों में मौजूद है, 17 इसमें भी नहीं आएगा, उसके बाद 18 आएगा जी, उसके बाद 19 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 20, 21, 22, 23, 24 और 25, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, डन, ठीक है। थोड़ी स्पेस बचाने के लिए मैं आगे नहीं लिखा, ताकि मैं इधर राइट हैंड साइड भी कर दूं, डन होगी बात जी। अब हम राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड, वो क्या जी राइट हैंड साइड, एक्स डैश यूनियन वाई डैश, ऐसे ही एक्स सी हमने फाइंड किया ऑलरेडी, ये देखो ये एक्स सी है, ये क्या है एक्स सी, ठीक है, ये कितना है जी, तो हमने क्या लिखा जी एक्स सी यूनियन वाई सी, अब एक्स सी लो जी कहाँ पे, ये है सारा एक्स सी, ये सारा क्या है एक्स सी है, ठीक है, एक्स डैश भी कह सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा इधर अगर जगह दे दो, ये इधर बंद कर दो, तो फिर आपके पास ये एक्स सी भी बन सकता है, डन, ओके। तो हमारे पास एक्स सी लिखा हुआ है, क्या वो सारा 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 नहीं है, ठीक है, तो 4 से लेके 10 तक आपने यूनियन करनी है ना, तो आपने कंबाइन करना है, तो 4 से 10 तक तो आएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमने क्या किया जी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 तक तो दोनों में आ गए, ठीक है। देखो इसमें भी आ गए क्योंकि यूनियन कर रहे हैं और इसके साथ हमें कंबाइन करना है, इसमें 18 से स्टार्ट होते हैं तो हम लिखना शुरू कर देते हैं आगे। 11 दोनों में नहीं है वो नहीं आएगा, इसमें भी देखो 11 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ना इसमें है ना इसमें, वो नहीं आएगा। 12 है तो वो लिखेंगे, 12 आ गया जी, ठीक है। उसके बाद आपके पास 12 के बाद क्या आ रहा है, 12 के बाद इसमें 13 नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें 13 से नीचे आएगा, इसमें भी 13 नहीं आ रहा, देखो नहीं ना, 14। उसके बाद क्या है, 15 इसमें है, इसमें भी है, वो आएगा, ठीक है। इसमें और इसमें तो देखना ही नहीं, इसमें और इसमें देखना है, ठीक है। तो 15 आ गया, फिर 16 आ गया, अब 18 दोनों में है या नहीं भी है तो फिर भी आएगा क्योंकि हमने यूनियन लेनी है। अच्छा उसके बाद क्या आ गया जी, 18 के बाद क्या आ गया, अब 18 के बाद ये सीधा गया 20 पे, लेकिन इसमें 19 मौजूद है, वाई डैश में क्या है, 19 मौजूद है, वाई सी में क्या है, 19 मौजूद है, ठीक है। बिकॉज वाई इन वाई सी 19 इज प्रेजेंट, सो विल टेक 19 ऑल्सो बिकॉज वी आर टेकिंग यूनियन, यूनियन मीन्स टू कंबाइन। आप पुरानी इसके पहले दो सवाल देखो, उसमें वीडियो में मौजूद है सारा कुछ, ओके 19 आएगा जी, 20 इसमें है, उसमें भी है, वो भी आएगा जी 20। उसके बाद 21 इसमें है, इसमें भी है जी 21 के बाद क्या है, 22 चाहे इसमें है चाहे नहीं है वो भी आएगा, फिर 23 इसमें है, इसमें इसमें है तो उसमें नहीं है वो भी आएगा, फिर 24 इसमें है, 25 भी है, ठीक है। अभी देखो ये नंबर कंपेयर करना जरा, 4 है 5 है 6, 7, 8, 9, 10, तो ये सारा कुछ बराबर निकला उसका। उसके बाद 10 के बाद क्या है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, 11 ना इसमें है ना इसमें है। उसके बाद 12 के बाद क्या है, 13 ना इसमें है ना इसमें, 14, 15, 16, 17 ना इसमें है ना इसमें है, फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 सारा कुछ है डन। तब आपने देख लिया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया। आप इसको कह सकते हो कि ये बी है और ये क्या है आपका ए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी इट इज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड क्या प्रूव हुआ जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट डन। जिस तरह मैंने ये किया ना इसी तरह आप इसको भी कर लेना, इधर मैंने जरा कंबाइन कर दी है, आप इसको जैसे वीडियो देखोगे डिटेल में आपको पता चलेगा। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई भी मुश्किल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। प्यारे बच्चों एक बात का याद रखो कि मामा बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, कोशिश करके इन चीज़ों को पढ़ा करो, ठीक है। प्लस जब आप इतनी चीज़ें देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी, दूसरी तीसरी भी, ठीक है, तो सबको लाइक भी किया करो क्योंकि आपको वो एंटरटेन कर देती हैं। जब ये लेते हो तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव वाई, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू योर फ्यूचर, ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। कोशिश किया करो कि जो बनाते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए इसको ज़रूर लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो और शेयर भी किया करो ताकि जितने भी लोग हैं उनका ज़्यादा ज़्यादा फायदा हो सके, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, योर पेरेंट्स अर्न मनी विद लॉट्स ऑफ हार्डवर्क, ओके। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट देयर मनी एंड डू शेयर दिस विद ऑल अदर्स so that they can be benefited out of it at the same time, because this is knowledge and you are getting it to appreciate that person, whosoever, not only me, whosoever you are studying from or whosoever you are looking at YouTube or learning from YouTube, okay. So you should subscribe, this is an appreciation to all those who are working hard, this is not easy, okay, keep this in mind, okay. So please do subscribe, at the same time do what, share, so that others can be benefited, okay. My link is given, sometimes I have put some theorems or
some parts of the questions on Insta and TikTok also. At the same time, my YouTube link is given, so you can go there and watch this. Okay, so you have to pay only for internet, nothing else, nothing to us, nothing to all those who are making this. And all those who are teachers also, please do subscribe each other. Okay, to appreciate each other's effort, we can subscribe. There will be a difference of very minor as far as explanations are concerned. But this is good that variety of knowledge, variety of communication is available for the students. So thank you much. God bless you. You can take it sprint out. God bless you.